अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से हेल्दी अंडा शामी चिकन पराठा रोल। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तवे पर 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल लिए। उसके ऊपर बोनलेस चिकन, इनको लंबाई में काट कर छोटे छोटे से पीसेस, यानी आप इनको बारीक कर लें, ना ज़्यादा ये चौड़े हों ना ज़्यादा लंबे हों। इस तरीके से आप 2 से 3 पीसेस को तवे पे सिंपल इनको पलट कर 2-3 बार पका लें। जब ये आपको लगेगा कि हल्का गोल्डन हो गया है, तब इसके ऊपर हम डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस 1-1 चम्मच। सोया सॉस चिली सॉस डालने के बाद, अगर आप इसके अंदर इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो नमक और दड़ा मिर्च शामिल कर लें, अदरवाइज ये चिली सॉस से ही बहुत अच्छा टेस्ट दे देगा। और अगर आपको लग रहा है आपका चिकन हार्ड हो रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी ये फुली कुक्ड है। अब उसके पास हम उसी पैन में 2 फ्राई की हुई शामियों को, वो जो साइड पर सारा मिक्सचर लगा हुआ है सोया सॉस चिली सॉस दड़ा मिर्च वगैरह का, वो शामियों पे लग जाएगा। उसी पैन में शामियों को गर्म कर लेंगे। उसके बाद एक अंडा ले लेंगे, उसके अंदर नमक और दड़ा मिर्च डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसको फैला कर तवे पर डाल लें और 1 कप पराठा बना लें। पराठा बनाने के बाद इसे, जब अंडा तकरीबन हाफ कुक हो जाए, फुल ना पका हो ना फुली कच्चा हो, उसके ऊपर पराठा रख के अच्छे से प्रेस करें ताकि पराठा उसके साथ अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसको उलट पलट कर कर इसको कुक कर लें और पराठे को उतार लें। पराठा चूल्हे से उतार लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ी सी मायोनीज। तीनों सॉसेज डाल लेने के बाद इसको अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद शामी सलाद और चिकन की लेयर्स लगाकर इसको शवारमा की तरह बटर पेपर में अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसको सेंटर से कट करके आप किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।